अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एसबीपी पॉडकास्ट। आई एम अदील अजहर। आज के प्रोग्राम में जो हम टॉपिक लेकर आए, इट्स अ वेरी करंट टॉपिक बिकॉज अभी चंद दिनों पहले 22 अगस्त को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने एक डिसीजन लिया, और डिसीजन उन्होंने ये लिया कि जी हम पाकिस्तान का जो डिस्काउंट रेट है उसको हम यहीं पर रखेंगे। काफ़ी सारे लोग समझ रहे थे बढ़ जाएगा, कुछ लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक समझते थे शायद कम भी हो जाएगा, लेकिन स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने कहा कि इसको यहाँ पे रोक लेते हैं। अब पिछले 30 सेकंड में ही मैंने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का दो दफ़ा जिक्र किया, तो इसका मतलब ये कि आज ज़रा समझेंगे कि ये कमेटी आखिर क्या भला है, उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन हम जब आगे जाते हैं मज़ीद, आई थिंक पिछले प्रोग्राम में ही मैंने आपसे एक कानून का जिक्र किया था जिसका नाम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956 है, जिसके मुताबिक हम जब नया मेरा पाकिस्तान मेरा घर की बात कर रहे थे कि जी डेवलपमेंट फाइनेंस में हुकूमत की मदद करेगा, ये तो आप समझ लें कि एक सॉर्ट ऑफ अ सेकेंडरी रोल है। स्टेट बैंक का जो प्राइमरी रोल होता है, ऑफकोर्स दैट इज़ टू नो अबाउट द प्राइस स्टेबिलिटी एंड ऑल। और स्टेट बैंक का जो एक और मैं अगर कानून के मैं बार बार स्क्रिप्ट को इसलिए देख रहा हूँ बिकॉज मैं कानूनी लाइन पढ़ने वाला हूँ, जिसमें कहना ये है दैट वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एज पर द 1956 एक्ट इज़ टू अचीव डोमेस्टिक प्राइस स्टेबिलिटी बाय वे ऑफ रेगुलेटिंग द मॉनेटरी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। आई एम श्योर आप में से काफ़ी सारे लोग समझ गए होंगे कि मैं ये क्या बात कर रहा हूँ। इंटरेस्ट रेट के साथ खेलना है स्टेट बैंक को, उससे प्राइस स्टेबिलिटी का कुछ सिलसिला होगा और क्या होगा, ये सब हम आज जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन जस्ट टू गिव यू फर्दर बैकग्राउंड, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अपने 22 अगस्त का जो मीटिंग हुई उसमें एज आई सेड अर्लियर उन्होंने कहा कि जी 15% पे हम डिस्काउंट रेट को मेंटेन करेंगे। ओ अगर आप देखा जाए तो ये सितंबर के महीने से, पिछले साल सितंबर के महीने से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 800 बेसिस पॉइंट या अगर आसान जबान में बोलें 8% का इजाफा किया। नाउ दिस इज किसी भी इकॉनमी में या बारिंग फ्यू दिस इज़ अ मेजर इंक्रीज, एक काफ़ी बड़ा इजाफा किया गया। और जाहिर है इसका मकसद जो था वो ये था कि पाकिस्तान की इकॉनमी को ज़रा कूल डाउन करना है, इन्फ्लेशन महंगाई को भी रोकना है, बिकॉज उसके लिए जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टूल होता है वो किसी भी सेंट्रल बैंक के पास यही होता है, और इसके अलावा पाकिस्तान की इम्पोर्ट्स को कर्टेल करना है एंड ऑल। पर जाहिर ऐसा लगता है जो स्टेट बैंक ने फुल स्टॉप लगाया है फिलहाल कि शायद ये चीज़ें कारगर साबित हो रही हैं, यानी ये चीज़ें काम कर रही हैं। मज़ीद हम इसके हवाले से ज़ाहिर नेचुरली बात करेंगे, समझने की भी कोशिश करेंगे, अकेला मैं तो कमेंट्री इस पर करूँगा नहीं। हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई वो कौन कौन से पैरामीटर्स थे, वो कौन कौन सी चीज़ें थी जो स्टेट बैंक को लगती हैं, उनकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को, मैं दोबारा ये नाम ले रहा हूँ, उनको लगती है कि अब इंटरेस्ट रेट फ़िलहाल मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है नहीं। क्या वाकई जो मेजर स्टेट बैंक ने पिछले साल सितंबर यानी 11 महीने में लिए हैं वो कारगर साबित हो रहे हैं, क्या वो वाकई काम कर रहे हैं, काफ़ी दिलचस्प गुफ्तगु होने वाली है। और अगर आप मेरी तरह इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं और आप जानना चाहते हैं चीज़ों के हवाले से, सो यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस डिस्कशन दैट वी आर गोइंग टू हैव। मेरे साथ हमारी इस पॉडकास्ट में आई विल से फॉर द फर्स्ट टाइम मैं ये कहूँगा कि मेरी जो पॉडकास्ट है उसमें वी हैव गॉट अ रिपीट गेस्ट। लास्ट टाइम आए थे हमने बड़ी मज़ेदार गुफ्तगु की थी PKR की डेप्रिसिएशन के हवाले से, और आज हम डॉक्टर अली चौधरी से बात करने वाले हैं इसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के डिसीजन के हवाले से, इंटरेस्ट रेट के हवाले से, व्हाट डज स्टेट बैंक थिंक आउट ऑफ दिस, ये डिसीजन आखिर लिए क्यों गए। डॉक्टर साहब जो हैं ही इज़ अ चीफ इकोनॉमिस्ट एंड द रिसर्च एडवाइज़र एट द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अली चौधरी। वालेकुम सलाम। और आपको मैं कह सकता हूँ वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट। थैंक यू। सो डॉक्टर साहब, थोड़ा बहुत मैंने अपनी दानिश के मुताबिक, मैं कहीं गलत हो तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, जो मैं समझ रहा था जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एंड ऑल ये सारी बातें, बहुत दफ़ा ये MPC का वर्ड मैं बोल चुका हूँ, अब ज़रा हमें कुछ समझा भी दें, हमारे ऑडियंस को समझा दें कि ये आखिर है क्या कमेटी। सो बिफोर सॉर्ट ऑफ यू नो आपने बहुत सारी बातें की जी, लेट्स स्टार्ट विद योर इनिशियल पॉइंट बिफोर मैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के ऊपर आऊँ, वो ये कि यू नो इंटरेस्ट रेट 15% पे कैसे पहुँचे। बिल्कुल सही है। सो एज यू नो मैं यू नो आई एक्चुअली लाइक स्टार्टिंग विद थॉट एक्सपेरिमेंट्स। बिल्कुल। तो मेरे इस मरतबा मैं डॉलर नहीं लेके आया, इस मरतबा मैं आपके लिए गर्म चाय लेके आया हूँ। लास्ट टाइम वॉज बेटर वैसे, लेकिन फिर भी चलें। सो यू नो दिस टी इज इफ़ यू सिप इट इज एक्सट्रीमली हॉट, इट्स वेरी हॉट एक्चुअली, इसमें से धुआं निकल रहा है। तो हमारे जो 15% इंटरेस्ट रेट्स हैं वो इसी धुएं की वजह से पहुंचे, क्योंकि इकॉनमी वॉज एक्चुअली ओवर हीटिंग। सो टू हैंडल इट, टू कूल इट डाउन,
कि चीज़ें जो है हम लोग बर्दाश्त कर सकें बेसिकली यू नो वी दिस इंटरेस्ट रेट जो है वो जिस तरह आपने बताया 8% जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ाएं. बिल्कुल. इनफैक्ट अगर आप बाकी मुल्कों से कंपेयर करें जो कि सिमिलर सिचुएशन फेस कर रहे हैं, स्टेट बैंक ने बहुत तेज़ी से इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं. राइट. अच्छा, अब नाउ लेट्स कम बैक टू योर, नाउ यू कैन हैव योर टी. अभी भी नहीं, आई थिंक इट्स स्टिल, अभी भी बहुत धुआं निकल रहा है, मैं थोड़ा और इंतजार कर लेता हूँ. ठीक है. अच्छा, इसमें भी इकोनॉमी को जरा और स्लो डाउन होने दें. हाँ बिल्कुल. फिर उसके बाद हम, अच्छा इसमें देयर इज अ लेसन इन देयर. राइट. वो मैं बाद में इस्तेमाल करूंगा कि यू नो इसको कूल डाउन होने में टाइम लगता है. जबरदस्त. ठीक है, ये मैं एक्चुअली लेटर ऑन इस्तेमाल करूंगा जस्ट टू ब्रिंग इट बैक. ठीक है. अच्छा, ये डिसीजन जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर हम डिसीजन के बारे में बात करें, कौन लोग लेते हैं तकरीबन? ऑन एवरेज जो है वो हमारे पास 10 मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मेंबर्स होते हैं जो कि ये डिसीजन लेते हैं. राइट. उसमें से जो है 3 एक्सटर्नल इकोनॉमिस्ट भी होते हैं, 3 बोर्ड के मेंबर्स भी होते हैं और 3 इंटरनल स्टेट बैंक के होते हैं प्लस गवर्नर. ये तकरीबन 10 मेंबर्स होते हैं. राइट. और ये फिर जो है वो आफ्टर यू नो अ लॉट ऑफ डिलिब्रेशंस ये बैठते हैं, यू नो ये तकरीबन 3-4 घंटे की मीटिंग चलती है जिसके ऊपर प्रेजेंटेशन वगैरह होती है और बताते हैं सेक्टर बाय सेक्टर बाय सेक्टर स्पेशलिस्ट. राइट. कि इकोनॉमी में क्या हो रहा है. ठीक. तो ये मॉनेटरी पॉलिसी और ये कमेटी जो है वो इंडिपेंडेंट है ऑफ स्टेट बैंक बोर्ड. ओके. इसके अंदर बोर्ड का कोई यू नो दखल नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट कमेटी है जो कि ये यू नो पॉलिसी रेट की सेटिंग करती है. ठीक. ठीक है. डॉक्टर साहब, आप भी प्रेजेंट करते हैं उनको कुछ डेटा वगैरह? एब्सोल्युटली. सो आई एम एज द चीफ इकोनॉमिस्ट एंड द रिसर्च एडवाइजर, जो हमारा काम है इज टू मेक यू नो ऑल दोज प्रेजेंटेशंस, ताकि सारे ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो कमेटी के सामने जो है वो यू नो प्रेजेंट कर दें बिला झिझक बेसिकली विदाउट टेकिंग एनी, दिस इज इट्स एन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस. बिल्कुल. क्या वो एक्सटर्नल सेक्टर का हो, क्या वो फिस्कल का हो, क्या वो रियल इकोनॉमी का हो, मॉनेटरी सेक्टर का हो. बिल्कुल. और यू नो इसका डीप एनालिसिस भी होता है काफ़ी, यू नो वी टॉकिंग अबाउट फेयरली टेक्निकल स्टफ एज वेल. राइट. इकोनॉमेट्रिक मॉडल्स भी हैं हमारे पास, जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल्स भी हैं जो कि सारी इकोनॉमी को एक ही एंगल से देख रही होती हैं. राइट. यू नो पार्शली यू नो एक यू नो कोई बंदा कुछ सेक्टर के बारे में डिफरेंटली बात कर रहा है, कोई और बात कर रहा है, इस तरह नहीं होता. जनरल इक्विलिब्रियम जो है वो ओवरऑल इकोनॉमी को एक मिलके देखता है. राइट. तो वो भी हमारे पास मॉडल्स हैं. सो यू नो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट गोज इनटू दीस प्रेजेंटेशंस एंड टू दिस यू नो एक्सप्लेनेशंस. तो बहुत मुख्तसर सवाल एमपीसी के हवाले से, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. एक तो ये कि ये एमपीसी डिसीशन सिर्फ इंटरेस्ट रेट के हवाले से ही लेती है या कोई और भी मामला डिस्कस कर रही होती है? डिस्काउंट रेट क्या रखना है, इज दिस द सिंगल पॉइंट एजेंडा दैट दे डिस्कस? डिस्काउंट रेट वाज द इज द ओल्ड टर्मिनोलॉजी. अब हम इसको पॉलिसी रेट कहते हैं. पॉलिसी रेट कहते हैं. बिल्कुल. व्हिच इज द रेट एट व्हिच यू नो जो हमारी इंटर बैंक बैंकों की जो खरीदो फरोख्त होती है. बिल्कुल ऐसी. वो दैट्स द रेट एट व्हिच ये पॉलिसी रेट इंप्लीमेंट होता है. ठीक. तो दैट्स फॉर इट्स सेट्स बेसिकली. सेकंडली, जो डिसीशन एमपीसी लेती है ये यूनानिमस होता है या इसमें जिस तरह बेंच होता है ना जज, वो कोर्ट में स्प्लिट डिसीशन आया? बिकॉज इवन नंबर में है, इसका मतलब ये कि 5-5 हो सकता है, या इट हैज़ टू बी यूनानिमस? इट डजंट नेसेसरली हैज़ टू बी दैट. राइट. अगर फर्स्ट करें कि स्प्लिट डिसीजन हो दैट द गवर्नर विल हैव द कास्टिंग वोट. ऑलराइट. तो ये यू नो कभी यूनानिमस भी होता है एंड कभी जो है वो यू नो इट कैन टिल्ट एनीवेज. राइट. तो दिस इज हाउ इट वर्क्स. ये डिसीजन यूनानिमस था 22 अगस्त वाला? I was, you know, जब ये वोटिंग होती है मैं नहीं वहाँ. अच्छा, आप वहाँ पर नहीं होते हैं. डॉक्टर साहब, इस प्लेट सेफ है यार, यहाँ पर ठीक हो गया, ये कोई मसला नहीं. अब आते हैं डॉक्टर साहब, डिसीशन देखिए, वो मैं अक्सर क्योंकि इकोनॉमी की खबरें और जरा ब्रोकर्स के न्यूज़ लेटर्स वगैरह आते रहते हैं, वो हर ब्रोकर एक अपना सर्वे पब्लिश कर रहा होता ना कि कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि जी बढ़ने वाला है रेट, कुछ कहते हैं जी सेम रहेगा, कुछ ओवरली ऑप्टिमिस्टिक. आजकल जैसे मैं कह रहा था, दौर में ऐसे भी लोग जो कह रहे हैं शायद कुछ स्टेट बैंक थोड़ा सा मूड अच्छा हो तो रेट कम भी हो सकता जी. जो पॉलिसी रेट, हाउएवर हमें एक बात जो समझ में आती है वो ये कि आपने जो रेट को सेम रखा है, तो क्या इसका मतलब ये है कि बिकॉज देखिए एट द एंड ऑफ द डे मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकली बता चलूँ कि इन रेट को इस्तेमाल किया जाता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए. सो जब इन्फ्लेशन, अभी हम SPI का नंबर देख रहे थे 42.3 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन जो आया था सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, उतना हाई इन्फ्लेशन, जो क्या स्टेट बैंक MPC को ये लगता है कि इन्फ्लेशन पीक कर गई है यानी अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है और अब मजीद आगे नहीं जाएगी? बिकॉज जो आपसे मैंने लास्ट टाइम भी सीखा था और हमारे से पहले भी जो इंटरेस्ट रेट पर डिस्कशन हुआ था वो ये कि स्टेट बैंक आगे का देख रहा होता है जो सेंट्रल बैंक, तो क्या हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि स्टेट बैंक की MPC को ये लगता है कि इन्फ्लेशन पीक कर गई है? अच्छा, अब ये बेसिकली आप ये सवाल कर रहे हैं कि क्या ये मोटिवेशन है कि ये 15% पे बरकरार रखा गया? अच्छा, इसमें यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लैरिफाई, दे डिसाइडेड, उन्होंने क्या डिसाइड किया, टू टेक अ पॉज. ओके.
उन्होंने और ये क्यों डिसाइड किया कि अब ये पॉज ले रहे हैं बेसिकली. इमेजिन ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट्स 15% पे यू नो इंटरेस्ट रेट्स आर नॉट एट 7% एनीमोर, दे हैव डबल्ड यू नो ओनली इन अ फ्रैक्शन ऑफ कपल ऑफ मंथ्स. राइट. तो अब सवाल ये पैदा होता है कि यू नो व्हाई डिड दे टेक अ पॉज. ठीक है, इसमें तीन बेसिकली मेन रीजंस हैं, तीन वजूहात हैं जिसको मद्देनजर रखा है इन लोगों ने. नंबर वन कि जिस वजह से हम लोगों ने इन द पास्ट सिक्स मंथ्स इंटरेस्ट रेट इतनी तेज़ी से बढ़ाएं यू नो वो नाउ अब वो नज़र आना शुरू हो गए. जो एग्रीगेट डिमांड मेजर्स जो है की कॉन्ट्रैक्शन है वो हमें नज़र आना शुरू होगी. वो कैसे नज़र आना शुरू होगी, अगर हार्ड डेटा देखें, सीमेंट की सेल्स देख लें आप, जी बिल्कुल, ऑटो की सेल्स देख लें आप, फॉर एग्जांपल मैं जस्ट यहाँ पे दो ले LSM, अगर आप जो भी इस वक्त सेक्टर LSM ले, आपको जी उसमें वो सप्लाई साइड में आ जाता है, बट LSM एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी नंबर आप देख लें तो वो यू नो डिमांड वी नो क्लियरली फॉर श्योर नाउ के इज स्लोइंग डाउन. ठीक है, एक ये बात होगी. दूसरी कॉज फॉर यू नो टेकिंग अ पॉज इज के जो भी फ्लड्स पाकिस्तान में आए बेसिकली अभी उसकी साइकिल कंप्लीट नहीं हुई है. वी एक्चुअली डू नॉट नो the extent to which ke floods mein kitna damage aayega. You know kya, you know for example 2008 mein hum log already 2010 mein floods aaye the, wo hum dekh chuke hain us waqt kya hua tha. Ji bilkul. So you know abhi humne ye we don't know for sure ke satellite data jo bhi suggest kar raha hai, that's another story ke kitna damage hua hai basically. So you know true aur ye sara data basically agle 4 hafton tak mein complete ho jayega basically. Right. So we would know ke kitna floods ka damage aayega and what's the consequential impact on economic growth. और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी डेटा इस वक्त हमारे पास मौजूद है बेसिकली ऑन इन्फ्लेशन, अकॉर्डिंग टू दैट डेटा जो इन्फ्लेशन की प्रोजेक्शंस वगैरह हैं वो हमारी रिवाइज नहीं हुई हैं. सो जो आपको इन्फ्लेशन में अभी होता हुआ नज़र आ रहा है, इट इज़ नो सरप्राइज टू स्टेट बैंक, ये हमने ऑलरेडी फैक्टर इन किया हुआ था. अगर वहाँ पर सरप्राइज आता है बेसिकली या हमारी प्रोजेक्शंस के अंदर कोई लार्ज जंप्स आना शुरू हो जाती हैं, दैट्स एन इंपॉर्टेंट कॉज फॉर कंसर्न फॉर मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी. जो इस ओकेजन में उनको नजर नहीं आया, हमने जो है वो अपनी प्रोजेक्शंस 18-20% फॉर FY23 बरकरार रखी हुई हैं. राइट. सो यू नो ये थ्री रीजंस हैं कि यू नो दे सेड के इट्स टाइम टू टेक अ पॉज एंड रीअसेस इन नो मोर देन 6 वीक्स. जो नेक्स्ट मॉनिटरी पॉलिसी है इट्स ओनली 6 वीक्स अवे. राइट. वैसे जनरली 2 महीने में होती है, पहले 2 महीने होती थी, अब हमने फ्रीक्वेंसी उसको बढ़ा दी थी. राइट. एंड यू नो वी विल सी यू नो इन 6 हफ्ते बाद पता चल जाएगा बेसिकली यू नो के व्हाट टू डू विद दिस पॉज. शैल वी कंटिन्यू, इज देयर समथिंग एल्स, आर देयर एनी सरप्राइजेस दैट वी डिड नॉट नो यू नो. ये जो मैंने तीन आपने फैक्टर्स बताए बिल्कुल यू नो उनको क्या होता है. बिल्कुल. सो दैट्स हाउ वी सॉर्ट ऑफ यू नो लुक इनटू इन्फ्लेशन. नाउ यू नो इट्स इंपॉर्टेंट टू से कि इन्फ्लेशन आगे हो क्या रहा है. इन्फ्लेशन का यू नो वो ये कि अगर ऑयल प्राइसेस को देखें रिलेटिव टू लास्ट मॉनिटरी पॉलिसी वो बेहतर हुई हैं. कमोडिटी प्राइसेस वो भी बेहतर हुई हैं, मगर फ्लड जो है बेसिकली आपको पेरिशेबल्स में SPI में जो नंबर है वो लॉट ऑफ इफेक्ट इज फ्लड्स. राइट. तो वो भी वो नज़र आ गया. तो कुछ चीज़ें ऊपर जा रही हैं, कुछ चीज़ें नीचे जा रही हैं, बट ओवरऑल जो है वो जो इन्फ्लेशन की प्रोजेक्शन है FY23 वो भी चेंज नहीं हुई है. ठीक. सो ये तीन रीजंस हैं बेसिकली व्हिच सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेन पॉज क्यों लिया गया एट दिस पॉइंट इन टाइम. डॉक्टर साहब, इकॉनमी पे आपकी बड़ी नज़र है, यू आर द चीफ इकोनॉमिस्ट हियर इन स्टेट बैंक. जो आवाम हमारी पॉडकास्ट देख रही है, उनको बेस्ड ऑन द मीटिंग दैट यू हैड, द डिस्कशन यू हैड विद द MPC एंड ऑल एंड योर ओन एनालिसिस, आपका अपना जो ज़ाती तज्ज़िया है, आपको ऐसा लगता है कि इकॉनमी का जो बदतरीन फेज़, जो एक बड़ा एक मुश्किल फेज़ था, लाइक डिफॉल्ट डिफॉल्ट डिफॉल्ट, जहाँ आप लगाएं जी ऐसा होने वाला है वैसा होने वाला है, इवन दो आई थिंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डिड अ वेरी गुड जॉब इन टेलिंग पीपल के नहीं भाई खुदा के लिए हमें श्रीलंका से कंपेयर ना करो. बल्कि मुझे याद है हमारी जो पहली पॉडकास्ट थी उसमें जो एक्टिंग गवर्नर थे वो, उनका हमारा टॉपिक यही था कि भाई ये सिलसिला है नहीं. सो डू यू थिंक दैट द वर्स्ट इज़ बिहाइंड अस नाउ? बदतरीन टाइम हम देख चुके हैं, यानी आवाम को थोड़ा ये कहा जा सकता है कि अब चीज़ें बेहतर हो सकती हैं. जी बिल्कुल. आप यू नो देखें हम आए कहाँ से, इट्स इम्पॉर्टेंट. जी यू नो इनिशियल पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अब पाकिस्तान की क्यूमुलेटिव ग्रोथ 2 सालों के अंदर इज इन डबल डिजिट्स, 1 ईयर आफ्टर द अदर यू नो तक यू नो इट्स ग्रेटर देन 10%. तो यू नो इन हालात के अंदर जो एंड योर इकोनॉमी वॉज ओवर हीटिंग जस्ट लाइक योर टीम, तो वो यू नो नेचुरली यू नो जो जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट फेस था वो यू नो इट्स ऑलमोस्ट बिहाइंड अस. इस वक्त जो है वो जिस तरह यू नो हमारी एस्टिमेशंस के मुताबिक यू नो पाकिस्तान को बोथ डिमांड शॉर्ट भी लगा था और सप्लाई साइड का शॉर्ट भी लगा था फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ ऑयल. जो डिमांड साइड की बेसिकली परसेंटेज है, इफ आई शेयर विद यू जी,
यू नो ये तकरीबन जो इन्फ्लेशन के अंदर जो प्रेशर आ रहा था 60% ऑफ दैट वाज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम डिमांड साइड, डिमांड का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था जिसको हमने कंट्रोल करने की कोशिश की. ठीक. एंड तकरीबन 40% जो था वो सप्लाई साइड की तरफ से आ रहा था इन्फ्लेशन में प्रेशर, बिकॉज ऑफ द ऑयल, बिकॉज ऑफ कमोडिटी प्राइसेस. तो टू अ ग्रेट एक्सटेंट वो सारी चीज़ें जो हैं वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गई हैं ऑन रियल डेटा नाउ. पीपल कैन एक्चुअली कैन सी. और जिन लोगों से आप अभी थोड़ी देर पहले आप खुद ही बात कर रहे थे, हूएवर यू टॉक टू देयर हर्टिंग. या सो यू नो इफ देयर हर्टिंग इट मींस इट्स वर्किंग. मैं पता है अभी आपसे अगला सवाल मेरे जहन में यही आ रहा था कि जैसे आपने बताया जी इंडस्ट्री का नंबर नीचे जा रहा है, कार सेल्स आर डाउन, सीमेंट सेल्स आर डाउन, बाकी सारे लोग देख के कहते होंगे यार ये क्या हो रहा है, समबडी सिटिंग एट स्टेट बैंक वुड बी सेइंग थिंग्स आर वर्किंग, ये वैसी फीलिंग तो आती होगी ना. वेल आई मीन यू नो हमारा काम जो है वो यू नो एट द एंड ऑफ द डे इट्स टू डिलीवर प्राइस स्टेबिलिटी, दैट्स द नंबर वन गोल फॉर अस. थिंक अबाउट इट दिस वे, ये क्यों हमारे लिए मैटर करता है. आज से कुछ ही साल पहले जब इन्फ्लेशन जो था वाज अराउंड 6% और मंथ ऑन मंथ इन्फ्लेशन वाज वेरी लो, कोई भी इन्फ्लेशन के बारे में बात नहीं कर रहे थे. उसका मतलब ये था कि हम लोग प्राइस स्टेबिलिटी को डिलीवर कर रहे थे. सही है. अब जो है वो हमारा जो मेजर है प्राइस स्टेबिलिटी इज 5 to 7% राइट इन्फ्लेशन इन द मीडियम टर्म. मीडियम टर्म इज डिफाइंड एज अराउंड 8 quarters. You know, which is हम लोग उसी में you know सुबह शाम लगे रहते हैं कि you know find different ways to curb inflation as much as possible. लेकिन डॉक्टर साहब एक सवाल जो यहाँ रह जाता है वो ये कि बिजनेसमैन खुश नहीं है, लोग परेशान हैं. जी जी. लोगों ने गाड़ियाँ लेनी थी, प्लान कैंसिल कर दिया. जी जी. घर लेने थे वो भी हो गया, अभी इंटरेस्ट रेट ऐसे हैं नहीं, स्टेट बैंक की फ्लैगशिप स्कीम्स इस हवाले से बंद हैं, वी नो अबाउट दैट. जी जी. I mean, but there is a political government in place as well. वो एक हैं politicians, और politicians के लिए तो ये इससे ज़्यादा कोई खौफनाक बात हो ही नहीं सकती. जी जी. कि specially ऐसी political parties हैं पाकिस्तान की, core market businessmen हैं, और businessmen अगर if he is feeling the pain, they will have to pay a political cost for that. जी so ये decisions, how do you walk that line? और या आप state bank कहते नहीं यार that's not my concern, you handle the politics, I am an independent body now. हाँ देखिए यू नो हमारा आवर जॉब आफ्टर द न्यू एक्ट, एक्ट के बाद जो है हमारी जॉब बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई है. राइट. इज़ टू डिलीवर लो इन्फ्लेशन एंड स्टेबल इन्फ्लेशन. और वो क्या है लो स्टेबल इन्फ्लेशन, 5 to 5 to 7% हमारे पास रेंज है जो हमको डिलीवर करनी है यू नो 8 quarters तक, 8 quarters के बाद. और उसी के ऊपर जो है वो ये सारे आपको मेजर्स नज़र आ रहे हैं. ठीक. यू नो जैसे जैसे प्रोजेक्शन इन्फ्लेशन की बेहतर होती जाएंगी, वैसे वैसे इंटरेस्ट रेट्स नीचे आते जाएंगे, वैसे वैसे बिजनेसमैन खुश होते जाएंगे. राइट. आई डोंट थिंक बिजनेसमैन आर एक्चुअली क्वाइट हैप्पी कि इन्फ्लेशन इतना हाई है, क्योंकि इट हर्ट्स उनकी भी डिमांड हर्ट करती है, बिकॉज इट हर्ट्स रियल बैलेंसेज जो लोगों के अंदर जो पॉकेट है बेसिकली, इट गेट्स हर्ट विद हाई इन्फ्लेशन. सो इन्फ्लेशन इज नॉट गुड फॉर एनीवन एट दिस पॉइंट, और स्पेशली ये इस लेवल का इन्फ्लेशन. तो ये जो जो भी हम लोग कर रहे हैं इट्स एक्चुअली यू नो इट्स गुड फॉर द कंट्री. राइट. टू ब्रिंग प्राइस स्टेबिलिटी, दैट्स गोना बी इवेंचुअली जो यू नो ये जो जो इकोनॉमी का ऑयल है बेसिकली यू नो फॉर दैट टू वर्क प्रॉपरली यू नीड, आपको चाहिए लो एंड स्टेबल इन्फ्लेशन. डॉक्टर साहब अच्छा पॉलिटिक्स में बात आ जाओ प्लीज. देखें यू नो इस वक्त जो है पाकिस्तान जो है वो एक ऑस्टेरिटी के सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शनरी मोड के ऊपर है. Now, you know, अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री स्टडी करें austerity, all, not all austerities are created equal. Okay? हर contraction एक दूसरी contraction के बराबर नहीं होती, different होती हैं. जो 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 if you read a lot about austerities basically, क्या वो IMF driven हो, क्या वो non IMF driven हो. Austerity जो terminology है इसका मतलब ये है कि अपने खर्चों को कम करना. बिल्कुल बिल्कुल. और कि अपने जो अक्सर ऐसा होता है ना, बहुत सी इकोनॉमीज होती हैं और हम भी शायद इस चीज़ पे हमें ब्लेम किया सकता है कि हम कहते हैं ना अपने चादर देख के पाँव फैलाने चाहिए. बिल्कुल. हमने अपने पाँव काफ़ी फैलाए हैं और चादर वादर का तो हमें एहसास ही नहीं है. सो हमें ऑस्टेरिटी मेजर्स लेने पड़ते हैं जिसकी वजह से हमें जो जो गैर ज़रूरी खर्चे हैं वो कम करने पड़ते हैं. मैं प्लीज़ करेक्ट मी अगर मैं यहाँ कुछ ऐसे ही बात है. तो हमें ये ऑस्टेरिटी मेजर्स आप ये बात कर रहे थे इनके बारे में, मैंने कहा ज़रा लोगों को ये इसके बारे में भी क्लैरिफाई कर दूँ. हाँ बिल्कुल. तो इस वक्त जो है वो ये ऐसा फेज है, हम लोग इस यू नो इस कॉन्ट्रैक्शन इस ऑस्टेरिटी के थ्रू गुजर रहे हैं. Right. दो तरीके कार होते हैं उसके. तरीके कार नंबर वन कि टैक्सेस बढ़ाएं. ठीक है. तरीके कार नंबर टू कि खर्चे कम करें. बिल्कुल. और इन दोनों टाइप्स ऑफ ऑस्टेरिटीज के जो लिटरेचर कहती है वो ये है डिफरेंट इम्पैक्ट्स आते हैं नॉट ओनली पाकिस्तान बट दुनिया. इसके ऊपर काफ़ी स्टडी आई है. जो टैक्स टाइप ऑफ ऑस्टेरिटी होती है उसके अपेरेंटली जो लेटेस्ट रिजल्ट्स हैं उसके ज़्यादा इम्पैक्ट आते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर रिलेटिव टू यू नो अदर टाइप्स ऑफ ऑस्टेरिटी. इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाती है, ज़्यादा कम होती है जो इनिशियल रिजल्ट्स हैं. यू नो आई स्टिल नीड टू स्टडी दिस लिटिल बिट मोर. पॉइंट बीइंग कि यू नो
austerity jo hai wo is not necessarily a kiss of death for any government. Right. Agar aap jo hai austerity ki history dekhen, kuch aise bhi governments hain basically, by using austerity properly, mm-hmm. they got re-elected. Yeah. Especially agar aap Europe ke andar, Europe ka European experience. Mujhe Greece yaad aa raha hai is waqt, pata nahi kyun zehen. That's a different problem. Main wahi keh raha hoon, lekin wahan austerity ka bada political cost ada karni padi thi government ko. So it depends on what sort of, balance that you put in. In Pakistan ke andar normally jo austerities wagaira hoti hain wo expenditure cuts ke through zyada aati hai. Humne jo hai wo PSDP cut kar diya. Right. That sort of austerity is sort of in, jo literature yehi show kar rahi hai ki uska kam impact aata hai aur rebound quickly hota hai. That's my take on, rebound quickly hota hoga aur phir dobara musibat mein bhi jaldi aa jate honge. Well, this is where you come in with your structural, aapne apne reforms leke aaye taaki wo, behtar hamesha yehi hota hai ki aap jo hai wo balance chale ha. Matlab Pakistan jaisi economy mein bada challenge hota hai, yahan pe political cheeze yahan pe kafi critical hai, but just all around the world, not just us. Okay, main ye keh raha tha ki aapka hone ka fayda ye hota hai ki aap mashallah kyunki maishat ko badi achhi tarah samajhte hain aur हम किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बियॉन्ड भी ज़रा बात करते हैं. तो इंटरेस्ट रेट के हवाले से, तो हमने पॉलिसी रेट के हवाले से हमने काफ़ी तफसील से ये बात कर ली, एंड आई होप थिंग्स वुड बी मच क्लियरर टू आवर ऑडियंस नाउ कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और स्टेट बैंक किस तरह सोच रहे हैं चीज़ों को. एक्सचेंज रेट की बात करते हैं डॉक्टर साहब, बड़ा इन टॉपिक. आई थिंक इन्फ्लेशन और एक्सचेंज रेट इस वक्त पाकिस्तान की मईशत के दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि पब्लिक डिस्कोर्स का इस वक्त हिस्सा हैं. इस रेट का जो सिलसिला है, हम एक्सचेंज रेट के हवाले से बात करते हैं कि अभी हमने देखा कि जो रुपया ऐसा लगता था कि वो बेलगाम हुआ है, वो मीडिया में होती है ना कि रुपया को पता नहीं डॉलर को पर लग गए और पता नहीं क्या हो गया. फिर हमने ये देखा कि एक बड़ा ज़बरदस्त रिवर्स गियर लगा रुपये की तरफ से. पिछले 3-4 दिन से, पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से डॉलर इज स्ट्रेंथनिंग. ये रुपया स्टेबलाइज क्यों नहीं हो पा रहा है? व्हाई आरंट वी स्टॉपिंग एट वन पर्टिकुलर लेवल? ये कब होता हुआ आपको नज़र आएगा कि चलो कोई 5-7 रुपए के बैंड में ही ऑपरेट कर रहा हो? क्या IMF का आना, उसके बाद फर्दर कुछ फ्रेंडली कंट्रीज हैव हर्ड के वो पैसे वैसे यहाँ कुछ डिपॉजिट कर रहे हैं एंड ऑल. अब वेयर डू यू सी रुपी? ऑफ कोर्स आई कांट आस्क यू टू प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ रुपी नेचुरली, बट इसमें स्टेबिलिटी कब आती हुई नजर आ रही है आपको? अच्छा, इसमें लेट्स अंडरस्टैंड नाउ कि ये वो एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म नहीं है जो पुराना वाला मैकेनिज्म है. हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं जो पिछला पॉडकास्ट हुआ था. अब हमारे पास जो है वो एक मार्केट डिटरमिन एक्सचेंज रेट है. जब सप्लाई ज़्यादा होती है डॉलर की, आई रिपीट माई सेल्फ अगेन, उस वक्त जो है रुपया एंड सेंटिमेंट्स अगर इंप्रूव हों साथ साथ, वो भी बहुत मैटर करती है मार्केट डिटरमिन एक्सचेंज रेट में, तो वो जो है वो अप्रिशिएट होता है. और अगर जो है वो इम्पोर्ट्स की ज़्यादा हों, पेमेंट्स वगैरह ज़्यादा हों, तो देयरफॉर इट रिस्पॉन्ड्स. या सो दिस इज़ ए फीचर ऑफ व्हाट वी हैव. लेट मी करेक्ट यू कि यू डोंट वांट ए फिक्स्ड. नहीं, वी डोंट वांट, लेकिन ये हम लोग उस फेस से, आई मीन यू सेड कि ये फिक्स क्यों हो जाता है? फिक्स, आई एम सेइंग कि एक रेंज में तो आ जाना. देखिए, एक प्रेडिक्टेबल एक्सचेंज रेट तो देयर आर फॉरेन इन्वेस्टर हु आर लुकिंग एट योर इकोनॉमी. वो कहते हैं एक दिन डॉलर 240 का है और एक हफ्ते बाद वो 210 का हो जाता है, मैं अपना फाइनेंशियल मॉडल किस रेट पे बनाऊं? ये चैलेंजेस हैं. ये बिल्कुल, एक तो जो डेली इंपोर्ट पेमेंट्स वगैरह हैं और जो गैप आता है एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स एंड रिमिटेंसेस का, वो तो डिटरमिन कर ही होती हैं साथ साथ, बट नॉर्मली सेंटीमेंट्स एंड कॉन्फिडेंस इन द इकॉनमी मैटर अ लॉट. आप ये देखेंगे बेसिकली, और हमने एम्फोसाइज भी किया है मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट के अंदर, कि कॉन्फिडेंस जो है वो जो IMF का प्रोग्राम है वो एंकर करेगा बेसिकली हमारी बहुत सारी पॉलिसीज को. राइट, विच मींस विच इज़ आवर ए सिग्नल ऑफ क्रेडिबिलिटी कि ये लोग जो है इन्होंने जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी है FY23 में, ये वाकई में इसमें बिलीव करते हैं. और ये IMF ओनली गिव्स यू मनी इफ यू हैव सिक्योर्ड ऑल द फंडिंग, और इस वक्त हम लोग ओवर फाइनेंस. राइट जी, डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच. और आपसे जब भी बात की, अब दो प्रोग्राम्स हो गए हैं, लेकिन देयर इज ऑलवेज सो मच टू लर्न फ्रॉम यू. सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर योर टाइम एंड गुड लक विद योर असाइनमेंट्स. थैंक यू सो मच. और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया. और हमारी पूरी कोशिश ये थी कि जो स्टेट बैंक ने, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जो डिसाइड किया है पॉलिसी रेट के हवाले से, उसका आपको पूरा बैकग्राउंड दिया जाए, वो क्या फैक्टर्स थे दैट स्टेट बैंक वॉज लुकिंग इन टू इस रेट पे आते हुए. और मैंने थोड़ी सी अपनी डिस्क्रिशन यूज़ की एक्सचेंज रेट के हवाले से बात करने के हवाले से, बिकॉज ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था. आई होप इसमें से कुछ चीज़ें आपको क्लैरिफाई होंगी और कुछ नए सवाल भी आपके जहन में आ गए होंगे. वी आर ऑलवेज देयर टू आंसर योर क्वेश्चन, सो फील फ्री टू कॉमेंट वेर एवर. आप जिस प्लेटफॉर्म पर भी हमारी ये पॉडकास्ट देखते हैं, आई होप आप लोगों ने हमारी इस एपिसोड को भी इंजॉय किया होगा. इंशाल्लाह अगली एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नई लर्निंग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे. तब तक के लिए अपने मेज़बान अदील अज़हर को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाई.